Hello everyone, this is Cherry Agarwal and I again welcome you to my YouTube channel Victory Classes. Today I am here with some MCQs type questions that are related to Victorian age. So not wasting any time, let's get started. And yes, if you like my channel, please share and subscribe it. Our first question related to Victorian age, who conveys uneasy transition from Victorianism टू मॉडर्निज़म, कि कौन ऐसा राइटर है जो ये कहता है कि विक्टोरियनिज़म से जब हम मॉडर्निज़म की तरफ जाते हैं सो इट इज़ अ अनईजी ट्रांजिशन, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू ट्रांजिट फ्रॉम विक्टोरियन एज टू मॉडर्निज़म. सो दैट इज़ थॉमस हार्डी, हूज वर्क्स शोज विक्टोरियन पैसिमिज़म. विक्टोरियन पैसिमिज़म को किसके वर्क्स शो करते हैं, दैट इज़ जेम्स थॉमसन. पैसिमिज़म होता क्या है कि जब हम ऐसा कुछ ट्रस्ट करें, ऐसा बिलीव करें, हमारे मन में ऐसे बिलीव हों कि कुछ बुरी चीज़ें होने वाली हैं, सो दैट इज़ जेम्स थॉमसन के वर्क शो करते हैं. इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन सेनेट इज़ कम्पेयर टू, जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक बुक है, उसमें जो बुक वन है, 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो बुक वन में जो सैटर्न है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, लेवियाथन. इन बुक थ्री, जो बुक थ्री है पैराडाइज लॉस्ट की, मिल्टन डिस्कसेस द प्रिंसिपल ऑफ, जो मिल्टन है वो किस चीज़ के सिद्धांत, कौन से सिद्धांतों को डिस्कस करता है, दैट इज़ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस. सैमुअल बेकेट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो सैमुअल बेकेट हैं जो वेटिंग फॉर गॉडो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एब्सर्ड वर्क नॉवल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो किससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जेम्स जॉयस से. जो जेम्स जॉयस हैं ये एक फेमस इरिश पोइट हैं. बेकेट यूजेस एज हिज मेजर डिवाइस टू कन्वे हिज सेंस ऑफ ए ब्लीक वर्ल्ड, जो बेकेट हैं वो कौन सा ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि वो अपना जो एक ब्लीक वर्ड का जो उनके अंदर फीलिंग है उसको लोगों के तक पहुंचा सके, ऐसा वर्ड जो कि बिल्कुल जहाँ पे सब लोग अकेले हैं, दुखी हैं. ब्लीक वर्ड वही होता है कि लोग खुश नहीं हैं, दुखी हैं, अकेले रहते हैं. सो वो इंटीरियर मोनोलॉग को यूज़ करता है टू शो कि जो एक ब्लीक वर्ड जो है लोग उसमें रह रहे हैं. इंटीरियर मोनोलॉग की एक ही बंदा बोल रहा है और वो अपने मन में बोल रहा है जो भी वो सोचता है. हु वॉज आउटस्टैंडिंग अमंग द प्ले राइट्स ऑफ वट वॉज कॉल्ड द न्यू ड्रामा, जो न्यू ड्रामा टर्म है इसके लिए कौन से प्ले राइट्स जो हैं, जो इतने सारे प्ले राइट्स हुए न्यू ड्रामा के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन से हुए हैं, हैरोल्ड पिंटर. नेक्स्ट इज गोल्डिंग्स वर्क हैज़ समटाइम्स बीन कम्पेयर टू दैट ऑफ, गोल्डिंग जो हैं वो किसके लिए फेमस हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं. सो गोल्डिंग को कंपेयर किया गया है किसके साथ, जोसेफ कॉनराड, जो हार्ट ऑफ डार्कनेस और बहुत ऐसे वर्क्स के लिए, पोस्ट क्रोनल वर्क्स के लिए फेमस हैं. नेक्स्ट इज गोल्डिंग इज डैश नॉवलिस्ट, जो गोल्डिंग हैं वो कौन से नॉवलिस्ट हैं, सिम्बॉलिक नॉवलिस्ट हैं. Who said Golding is a man haunted by his own sense of human adequacy? कहते किसने कहा है कि Golding एक ऐसे इंसान हैं जो डरे हुए हैं अपने ही, जो उनके अंदर एक फील है किस चीज़ की, ह्यूमन adequacy की, जो उनके अंदर जो senses हैं खुद के ही senses उनको डरा रहे हैं, that is David Deutches. A writer with affinities to Stevenson was, एफिनिटीज़ क्या होता है कि जैसे ऐसे लगे कि एक रिलेशनशिप है, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, सो ऐसे कौन से राइटर हैं जो स्टीवेंसन के साथ जिनका रिलेशनशिप अच्छा लगता है, दैट इज़ रुडियार्ड किपलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, किपलिंग हैज़ स्टीवेंसन स्किल्स इन द, किपलिंग के अंदर, रुडियार्ड किपलिंग के अंदर कौन से स्टीवेंसन की स्किल्स हैं, दैट इज़ नरेटिव ऑफ एडवेंचर. Who wrote A Summer Night? A Summer Night किसने लिखा है, मैथ्यू आर्नल्ड ने. Who wrote The Celestial Omnibus? जो The Celestial Omnibus work है ये किसने लिखा है, E.M. Foster ने, और ये एक शॉर्ट स्टोरी है, The Celestial Omnibus, collection of short stories.
रिचर्डसन कॉल्ड हिज नॉवल्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ राइटिंग. रिचर्डसन ने अपने नॉवल्स को कहा है न्यू स्पीशीज ऑफ राइटिंग, की राइटिंग की एक नई कह लो कि स्पीशीज आई है, कि बिल्कुल नई चीज़ निकल के आई है. क्या ये टर्म सही है? दैट इज ट्रू. T.S. Eliot says which play is an artistic failure. T.S. Eliot ने किस प्ले को बोला है कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ट इट इज़ अ फेलियर. दैट इज हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. हु रोट दिस टाइम दिस लाइम ट्री बोर माई प्रिजन. सो ये लाइन किसने बोली है? द लाइम ट्री बोर माई प्रिजन, ये बोली है S.T. Coleridge ने, सैम्यूल टेलर कॉलरिज. वट इज़ कंट्रोलिंग इमेज? ये एक लिटरेरी टर्म है, कंट्रोलिंग इमेज. कंट्रोलिंग इमेज क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल इमेज और कंपेरिजन, कि किसी भी वर्क में एक ऐसी इमेज को यूज़ किया जाता है दैट एक्सटेंड थ्रू आउट लिटरेरी वर्क, जो हमें थ्रू आउट सारे जो एक लिटरेरी वर्क में नज़र आती है और उसके मीनिंग को, उस वर्क के मीनिंग को हैंडल करती है, शेप्स इट्स मीनिंग. कि एक राइटर हमें एक ऐसी इमेज से इंट्रोड्यूस करवाता है, एक ऐसी इमेज दिखाता है नो वर्क में, जो उस सारे के सारे वर्क के मीनिंग को कंट्रोल करती है, कि उसी पे ही एक सारा नोवल या कोई भी वर्क उसके अराउंड चलता है. सो दैट इज़ कंट्रोलिंग इमेज. विच लैंग्वेज कम्युनिकेट्स आइडियाज़ बियॉन्ड द ऑर्डनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ऐसे आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाती है जो ऑर्डनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड से बहुत ज़्यादा परे होते हैं, कि जो वर्ड्स का एक आम मीनिंग होता है उससे भी ऊपर एक आइडिया को कम्युनिकेट करे. दैट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज. नेक्स्ट इज लिटरेरी टेक्स्ट. लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? फिक्शनल राइटिंग, मतलब क्रिएटिव राइटिंग को बोलते हैं लिटरेरी टेक्स्ट. नेक्स्ट इज हैमलेट इज सेट इन स्केप्टिकल. जो हैमलेट है वो कहाँ पे सेट किया गया वर्क है? डेनमार्क में. नेक्स्ट इज कीट्स एडमायरेशन फॉर द मिडल एजिस इज एविडेंट फ्रॉम. जो जॉन कीट्स हैं वो मिडल एजिस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. ये किस कहाँ से पता लगता है हमें? हिज यूज़ ऑफ द बैलेड फॉर्म. उनके जो बैलेड फॉर्म का यूज़ करने का स्टाइल है उनके वर्क में, उससे पता लगता है कि वो मिडल एजिस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि मिडल एजिस में बैलेड फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी. हु सेड द ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोएट्री इज़ नॉट प्रोज बट साइंस. किसने कहा है कि पोएट्री का ऑपोजिट प्रोज नहीं होता बल्कि साइंस होती है? दैट इज कॉलरिज. सैम्यूल टेलर कॉलरिज ने बोली है. नेक्स्ट इज हु आर द प्रिंसिपल नरेटर ऑफ द स्टोरी वुदरिंग हाइट्स. जो वुदरिंग हाइट्स वर्क है इसके जो प्रिंसिपल नरेटर हैं वो कौन कौन है? वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे. तो इसके मेन जो स्टोरी टेलर हैं दैट इज़ मिस्टर लॉकवुड एंड नेली. ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वुदरिंग हाइट के रिलेटेड पहले भी एक पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि जो वुदरिंग हाइट्स की जो मेन बिल्डिंग है तो उसके फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेजर थीम्स ऑफ वुदरिंग हाइट्स आर. वुदरिंग हाइट्स के मेजर थीम क्या हैं? किससे डील करती है ये? रिवेंज, बदला, लव, सोसाइटी, क्लास, आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स अकेलापन. नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट वर्क ऑफ बायरन वॉज. लॉर्ड बायरन का, जॉर्ज बैकन बायरन का जो सबसे पहला वर्क है वो कौन सा है? फिगरेटिव पीसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस इज रिटन बाय. जो ये वर्क है द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस, ये किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने. So these were some important questions related to Victorian age which have a lots of possibility that it can come in your exam. So if you like this video, please share and subscribe my channel and you will get more and more videos. So that's all for today. Thank you very much. Best of luck for your exam and stay healthy and safe. Thank you so much.